आप हमारे साथ गणित पढ़ रहे हैं, यदि आपको लगता है कि नहीं वास्तव में आप मेरे साथ गणित सीख सकते हैं और आपको गणित पढ़ना है, तो उसके लिए विभाज्यता का नियम सबसे महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि आपने बहुत सारे अध्यापकों से पढ़े होंगे, बहुत सारे अध्यापक बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, लेकिन मेरा जो पढ़ाने का मेन टाइटल है, मानी मेन एक ऐसा उद्देश्य, अगर आपको रूल ऑफ डिजिबिलिटी समझ में आ जाएगा तो आगे की जो अंकगणित है वह आपको एकदम नहायत सरल लगेगा। मतलब इतना ईजी लगेगा जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि गणित इतना भी आसान हो सकता है। खासकर इसका प्रयोग हम अर्थमेटिक में सबसे ज़्यादा करेंगे, साथ ही साथ अर्थमेटिक में इसका प्रयोग करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ भी हम इस गणित का प्रयोग जितने भी अध्याय हैं वहाँ पे करेंगे। क्योंकि गणित आसान होती है, लेकिन उसके लिए आपको एक छोटा सा नियम जिसे कहते हैं हम रूल ऑफ डिजिबिलिटी, वो आपको पता होना चाहिए। तो उसके लिए आप गणित अगर मेरे द्वारा पढ़ रहे हैं, मेरी क्लास से पढ़ रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं मेरी तरफ से पढ़ना पड़ेगा। एक सेकंड रुकिए, हम थोड़ा सा हम शेयर कर देते हैं लिंक को ताकि और लोग भी जुड़िए, उसके बाद हम लोग अपना अध्ययन अध्यापन काम तेज गति से करते हैं। अब हम लोग लिखेंगे विभाज्यता का नियम। आप पेन कॉपी निकाल लीजिए और क्रम से लिखिएगा विभाज्यता का नियम। जब विभाज्यता का नियम आप लिखिएगा तो उसमें लिखिएगा दो से विभाज्यता का नियम। क्या लिखिएगा? दो से विभाज्यता का नियम। चलिए लिखते हैं। देखिए मैं चार नियम एक साथ पढ़ाने जा रहा हूँ, दो चार आठ का। किसका? इसका, दो का, चार का और आठ का। मैं तीनों एक साथ पढ़ाऊँगा। फिर देखिए ये हो सकता है आप एक काम में आ जाए। जैसे अगर हम विभाज्यता का नियम दो से देखें, कितने से? दो से। विभाज्यता का नियम हम यहाँ में प्रश्न भी बनाते चलेंगे, कैसे कैसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे जहाँ से आपको सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। देखिए दो से विभाज्यता का नियम क्या है, यदि किसी भी दी गई संख्या सम संख्या है तो संख्या सदैव दो से विभाजित होगी, सदैव दो से कट जाएगी। माने यदि कोई भी संख्या को दो से भाग दिया जाए वो कट जाएगी। कब? उसके लिए एक कंडीशन होगी, प्रत्येक सम संख्या, दिखाई दे रहा ना आप लोग को, प्रत्येक सम संख्या दो से सदैव विभाजित होती है। जिस किसी भी संख्या या कोई दिया गया संख्या, कोई नंबर दिया गया हो, यदि उसके इकाई का अंक, यदि उसके इकाई का अंक क्या क्या हो देख लीजिएगा आप सभी लोग। यदि उसके इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8, मान यदि किसी भी दिए गए संख्या के इकाई का अंक ये निम्नलिखित हो, क्या क्या? 0, 2, 4, 6, 8। माने किसी भी दिए गए संख्या के यदि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 आदि है, तो वे सभी संख्याएं दो से पूरी तरह से विभाजित होंगी। इसके उदाहरण भी हम आपको लिख देंगे और आप लोग भी लिख लीजिएगा। जैसे कोई भी संख्या लेते हैं, अब जैसे हमने ले लिया 3, 7, 6, 5। अब यदि इसकी इकाई का अंक हमने 0 लिख दिया तो भी क्या होगी, ये दो से कट जाएगी। या यही संख्या 3, 7, 6, 5 इकाई अंक 2 लिख दिया, फिर डिवाइड होगी किसे? 2 से। फिर यही 3, 7, 6, 5, 4 लिख दिया, फिर यदि 3, 7, 6, 5, 6 लिख दिया, फिर यही संख्या को 3, 7, 6, 5, 8। अब मेन जो हमें ज़रूरत थी, जो हमें मेन समझाना था, वो ये समझाना था कि यदि किसी भी संख्या के, दिए गए संख्या के इकाई का अंक निम्नलिखित में से कोई भी एक हो, 0, 2, 4, 6, 8, इनमें से यदि कोई भी संख्या होगी तो दो से सदैव विभाजित होगी। ठीक, क्या होगी? दो से सदैव विभाजित होगी, ऑलवेज डिवाइडेड बाई 2। कॉन्सेप्ट क्लियर? मतलब सभी सम संख्याएं दो से पूरी तरह से विभाजित होंगी। क्लियर? अब आते हैं, अब हम इसी समय लिख लेंगे चार से विभाज्यता का नियम। हम अपने हिसाब से पढ़ाएंगे, आपके हिसाब से नहीं, क्योंकि मुझे आपको सिखाना है, पढ़ाना नहीं है। और एक ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे आप लोग ग्रुप में जुड़ते जाइएगा, आप सभी को इस वीडियो को शेयर करते जाइएगा। ठीक है, एक छोटी सी कृपा करिएगा, इस वीडियो लिंक को अपने सभी ग्रुपों में शेयर करते जाइएगा। ठीक है, हाँ गला मेरा बैठ गया है, आवाज़ में थोड़ी समस्या हो सकती है। ठीक, अब आते हैं चार से विभाज्यता के नियम पढ़ते हैं।
चार के लिए, किसी भी संख्या के, किसी भी दिए गए संख्या के, यदि इकाई और दहाई से बनने वाली संख्या, यदि किसी भी दी गई संख्या के इकाई और दहाई से बनने वाली संख्या यदि चार से विभाजित होती है तो वह संख्या भी सदैव चार से विभाजित होगी, अथवा इकाई और दहाई के स्थान पर जीरो जीरो हो तो उस संख्या को भी चार से पूरी तरह से विभाजित किया जा सकता है। ठीक, हमने ये देखा, यदि कोई संख्या दिया गया, जैसे हम कोई संख्या लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 3, 7, 6, 5, 6, अब ये संख्या है 37,656। अब इस संख्या को यह जानना है कि क्या यह दी गई संख्या चार से विभाजित है या नहीं। इसको जानने के लिए हम सबसे पहला काम करेंगे, हम इसके इकाई और दहाई पर अंकों को देखेंगे। हमें ये दिखाई दिया कि इकाई और दहाई से बनने वाली जो संख्या है वो कितनी है, 56। कितनी है, 56। अब देखेंगे क्या 56 चार से विभाजित हो जाएगी, या दो अंकों से जो बनी संख्या है इकाई और दहाई से, यदि वह चार से विभाजित होगी तो दिया गया निम्नलिखित संख्या भी चार से सदैव विभाजित होगा। ठीक, चार से क्या होगा, सदैव विभाजित होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर। ठीक, अब हम देखेंगे 56, अगर हम 56 को चार से भाग देंगे तो कितना आएगा, भागफल 7। इसका मतलब दिया गया संख्या भी चार से सदैव विभाजित हो जाएगा, अथवा इकाई दहाई के स्थान पे, हाँ गला बहुत समस्या है मेरे, इकाई और दहाई के स्थान पे यदि शून्य शून्य है या 2 किलो लड्डू है तो भी संख्या चार से विभाजित हो जाएगी। आइए देखते हैं कैसे। जैसे यही संख्या लेते हैं 3, 7, 6, ये देखिए, अब इकाई और दहाई के स्थान पे भी क्या है, 0, 0 है, तो इसका मतलब ये जो दिया गया संख्या है यह भी चार से पूरी तरह से विभाजित होगा, यह चार से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ठीक, 14 आएगा भैया, 14 आएगा, चलिए धन्यवाद। मतलब किसी भी संख्या को इकाई और दहाई से, हमें क्या मतलब इकाई और दहाई से, यदि इकाई और दहाई के स्थान पर 0, 0 है या उससे बनी संख्या चार से विभाजित होती है तो संख्या भी क्या होगी, चार से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। अच्छा, गलतियों का ध्यान आप लोगों को पहले ही आता है, चलिए कोई बात नहीं, धन्यवाद आपका और सॉरी। ठीक है, अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं, कोई भी नंबर लेते हैं, कोई भी संख्या लेते हैं। अब इसका प्रयोग आपको जब करेंगे हम तब समझ में आएगा, अभी तो लग रहा होगा बहुत ईजी पढ़ा रहे सर, लेकिन वास्तविकता ये है, ये पूरी अर्थमेटिक की बेसिक जान है, बिना इसके अर्थमेटिक अधूरा है। चलिए देखते हैं हम लोग, 9, 7, 3, 9। ठीक, अब इसकी इकाई दहाई वगैरह हम लिख दिए 6, या लिख दिए 3, 7, 4, 2, 0, 5, 6, 4, 3, 7, 2। अब हमें क्या चेक करना है, हमें बस इकाई और दहाई से मतलब है कि यदि इकाई और दहाई से बनने वाली संख्या चार से विभाजित होती है तो दी गई संख्या भी चार से सदैव विभाजित होगी। ठीक, केवल हमें लास्ट के 2 डिजिट को लेना है, अथवा जैसे इकाई दहाई है, यहाँ पे लिख लिया इसमें, तो इकाई दहाई से बनने वाली संख्या स्थान पर यदि 0, 0 है, 0, 0 है, तो भी संख्या क्या होगी, चार से सदैव विभाजित होगी। बस हमें याद रखना है इकाई दहाई से बनने वाली संख्या चार से विभाजित होनी चाहिए। अब 8 का विभाजित आगे नहीं, हम लिखते हम लोग कितने का, 8 का, ध्यान डालिएगा 8 के विभाज्यता का नियम। थोड़ा गले में दिक्कत है मेरे, कई दिन से पढ़ाने से लगातार चिल्ला के गले बैठ जा रहे हैं। किसी भी दी गई संख्या से इकाई दहाई और सैकड़ा, यहाँ देखिए इकाई दहाई था 8 में, किसी भी दी गई संख्या के इकाई दहाई और सैकड़ा से बनने वाली संख्या, माने लास्ट के 3 अंकों से बनने वाली संख्या यदि 8 से विभाजित होगी तो दी गई संख्या भी 8 से
पूरी तरह से विभाजित होगी, अथवा इकाई, दहाई और सैकड़ा के स्थान पे अथवा लास्ट के तीन अंक में 00 होगा तो दी गई संख्या भी 8 से विभाजित होगी। ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर, कोई डाउट, कोई समस्या नहीं है ना, देखते हैं कैसे। कोई संख्या लेते हैं हम, जैसे जो भी संख्या आप कहेंगे वही संख्या हम लोग ले लेते हैं, 3, 7, 6, 5, 1, 2। अब चेक करना है कि क्या ये दी गई संख्या 8 से विभाजित होगी अथवा नहीं होगी। तो उसके लिए सबसे सरल तरीका क्या है, हम इसके लास्ट के तीन डिजिट को लेंगे। कितने डिजिट को? तीन डिजिट को, तीन अंक को लेंगे। यह तीन अंक बनेगा 512। तो जब हम 512, जैसे यहाँ पे है 512 को 8 से भाग देंगे तो 64 आएगा। कितना आएगा? 64, 64 आएगा। नहीं दिख रहा है क्या? 512 डिवाइडेड बाई 64। इसका मतलब यह है कि यह दी गई संख्या क्या है, 8 से विभाजित है, क्योंकि मैं लास्ट के तीन डिजिट से मतलब है। ठीक है प्रिंस जी, सही बताया आपने, हाँ रेड पिन यूज नहीं करेंगे प्रगति जी, रेड पिन यूज नहीं किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, अब देखते हैं हम, अब एक नंबर और लेते हैं कोई हम, जैसे 6, 3, 4, 2, 5, 6। अब क्या निम्नलिखित में से दिया गया संख्या 8 से विभाजित होगी, इसकी जानने के लिए हमें लास्ट के तीन डिजिट, उसके पहले चाहे कुछ भी हो, कितना भी बड़ा अंक क्यों ना हो, हमें लास्ट के तीन डिजिट से या लास्ट के तीन अंक से ही हमें मतलब है कि लास्ट का तीन अंक यदि 8 से विभाजित होता है तो दी गई संख्या भी सदैव 8 से विभाजित होगी। चलिए देखते हैं कैसे। ये तीन कितना बनेगा? 256। तो क्या 256 8 से डिवाइड होगा? क्या 256 8 से कटेगा? जी हाँ, डिवाइडेड हो जाएगा। जब कट जाएगा इसका मतलब ये दी गई संख्या भी 8 से सदैव विभाजित होगी। ठीक, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जो भी आपके साथ के हों सभी को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर इसी में यहाँ पे 7 करके 1, 2, 3, 0 भी लिख दिया जाए तो क्या यह संख्या 8 से विभाजित होगी? जी हाँ, ऑफकोर्स विभाजित होगी। क्यों? क्योंकि दिया गया संख्या के लास्ट के तीन डिजिट इकाई, दहाई और सैकड़ा से बनने वाली संख्या 8 से विभाजित होगी, इसलिए यह दी गई संख्या भी 8 से पूरी तरह से विभाजित होगी। ठीक, कोई समस्या? 4 में 2 अंक था, 8 में 3 अंक, बस कॉन्सेप्ट क्लियर। 2 के लिए सम संख्या था, आवाज़ भी खराश होगी, गला बैठ गया था, तबीयत नहीं सही है, उससे घबराइएगा नहीं, हम आपके लिए हैं, हम अपना बेस्ट दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि समय साउंड का नहीं आ रहा है, बैकग्राउंड साउंड जो दुर्गा पूजा की वजह से समस्या बढ़ जाती है। ठीक है, मिटा दें, अब एग्जाम्पल और लिखेंगे, आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप, 3, 7, 6, 2, 6, 4 एक्सेट्रा, फिर 4, 3, 6, 9, 1, 2, 3, यह भी क्या होगा? 8 से विभाजित होगा। ठीक है, सही है, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो हमें बताइए, अवगत करिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, आगे बढ़े। अब हम लिखेंगे 3 और 9 के विभाज्यता का नियम, 3 और 9 के विभाज्यता का नियम, मिटा रहे हैं, 3 से लिखिएगा। 3 का देखिए बहुत आसान है, किसी भी दिए गए संख्या के कुल अंकों का योग यदि 6 से विभाजित होती है तो दी गई, सॉरी 3 से विभाजित होती है तो दी गई संख्या भी 3 से विभाजित होगी। ठीक, समझ रहे हैं आप लोग, 3 से विभाज्यता का नियम। 3 के लिए कोई भी अंक ले लेते हैं, जो भी अंक आप कहेंगे वही अंक हम क्या करेंगे, ले लेंगे, फिर चेक किया जाएगा कि क्या वह डिवाइडेड है या नहीं।
सॉरी थोड़ी समस्या हो रही है, एक मिनट, हमें लग रहा है मोबाइल ना गिर जाए। देखिए तीन से विभाज्यता का नियम क्या है, यदि किसी भी दिए गए, दिखाई दे रहा है ना, यदि किसी भी दिए गए संख्या के कुल अंकों का योग यदि तीन से विभाजित होती है तो दी गई संख्या भी तीन से सदैव विभाजित होगी। आइए देखते हैं कैसे। जैसे कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे हमने लिया 4, 5, 3, ठीक 453। अब हम ये देखेंगे कि 453 के कुल अंकों का योग यदि तीन से विभाजित होता है तो यह दी गई संख्या भी तीन से सदैव विभाजित होगी। आइए देखते हैं कैसे। 4 और 5, 9, 3, 12, क्या 12 तीन से डिवाइड होगा? जी, 3 चौके 12, तो दी गई संख्या भी तीन से सदैव क्या होगी? विभाजित होगी। ठीक, सही है ना? आवाज में दिक्कत हो गई यार, गला खराब हो गया है। अब मतलब हमने यहाँ देखा 453, मतलब 4 + 5 + 3 यदि 12 तीन से डिवाइडेड है तो इसका मतलब यह दी गई संख्या भी तीन से सदैव विभाजित होगी। ठीक, आगे बढ़ते हम लोग। 7, 3, 6, अब नीचे देखना है क्या दी गई संख्या 7,365 दी गई संख्या क्या तीन से विभाजित होगी? इसके जानने के लिए कुछ नहीं करना है कि इन सभी पदों का योग यदि तीन से विभाजित होता है तो दी गई संख्या भी तीन से सदैव विभाजित होगी। माने किसी भी दिए गए संख्या के कुल अंकों का योग यदि तीन से विभाजित होती है तो दी गई संख्या भी तीन से सदैव विभाजित होगी। जैसे 7, 3, 10, 6, 16, 2, 18, क्या 18 तीन से विभाजित होगी? जी हाँ, इसका मतलब यह संख्या भी तीन से विभाजित होगी। एक बात, दूसरी बात, आगे गणित में सबसे ज़्यादा हम जैसे लहसुन महसा अगर हम पढ़ाएंगे, अगर इसका अध्याय एक एक प्रश्न अगर दो दो पेज में लगेगा तो मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जहां आप मात्र 10 से 15 सेकंड में लगा लेंगे, लेकिन उसके लिए आपको रूल ऑफ डिविजिबिलिटी विभाज्यता का नियम आना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर नहीं आएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम इसे आपको बार बार समझाना चाह रहे हैं। ठीक है, गले में दिक्कत है, उससे कोई दिक्कत नहीं, इसको शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए दुर्गेश सर बिना स्पेस दिए सर्च करिएगा, इलनी पर दुर्गेश के साथ जुड़ जाइएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम देखते हैं 9 की विभाज्यता का नियम, कितने का? 9 का। 3 और 9 का दोनों का एकदम सेम है, केवल अंतर क्या है वही हम लोग देख लेते हैं। 9 का मतलब क्या है? सेम 3 की तरह है, लेकिन यहाँ 9 से विभाजित होनी चाहिए। किसी भी दिए गए संख्या के कुल अंकों का योग यदि 9 से विभाजित होती है तो दी गई संख्या भी 9 से सदैव विभाजित होगी। मैं अपने तरीके से पढ़ा रहा हूँ, मैं 6 का पढ़ाना कि नहीं मैं आगे बताऊंगा। मैंने पहले 2 का पढ़ाया, 4 का, फिर 8 का, फिर 3 का, फिर 9 का, क्योंकि हमें ये देखना है, आपको सिखाना है गणित, पढ़ाने नहीं है, मैं आपको सिखाने गणित आया हूँ ताकि आप बेहतर स्कोर कर सकें। आइए देखते हैं। जैसे 9 अब इसको ये चेक करना है कि क्या ये संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी या नहीं। उसके लिए गले में बहुत दिक्कत है, लेकिन मजबूरी है कि अब क्लास छूट रहा था। तो 8, 7, 15, 3, 18, 5, 23, 4, 27, माने दिए गए संख्या के कुल अंकों का योग कितना हो रहा है? 27 हो रहा है, और 27 9 से विभाजित हो जाएगी। दिए गई संख्या यदि 9 से विभाजित हो जाएगी तो यह संख्या भी 9 से पूरी तरह से क्या होगी? विभाजित हो जाएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? मतलब दी गई संख्या यदि 9 से विभाजित होती है तो यह संख्या भी क्या होगी? 9 से पूरी तरह से विभाजित होगी। समस्या समझ में आई? 3 और 9 के लिए एक ही नियम है, 3 के लिए 3 का, 9 के लिए 9 का, और जो संख्या 9 से कटेंगी वह संख्या 3 से भी कटेंगी। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है? शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है? अगर शेयर करने समस्या हो तो फिर बताइएगा, क्योंकि टेलीग्राम पे सर्च करेगा दुर्गेश सर बिना स्पेस दिए और इलानी भी दुर्गेश से आप जुड़ जाइएगा, हमें कहना ना पड़े, खुद ही आप समझदार हैं इतना। आगे आते हैं। अब हम देखते हैं इनमें सवाल कैसे आते हैं।
कि इस प्रश्न से सवाल कैसे बनते हैं, उस सवाल को सॉल्व करते हैं, फिर हम आगे विभाज्यता के नियम को भी पढ़ते रहते हैं। ठीक है, हम उससे जुड़े हुए सवालों को भी सॉल्व करते हुए चलते हैं। जैसे अगर एक प्रश्न आ गया कि यदि दिए गए संख्या, मतलब कोई संख्या, कोई संख्या आप भी बोल सकते हैं, यदि दी गई संख्या 9 से विभाजित होगी, दी गई संख्या यदि 9 से विभाजित होगी, इस खाली स्थान में सबसे छोटा अंक क्या भरा जा सकता है? यदि दी गई संख्या 3 से पूरी तरह से विभाजित है तो सबसे छोटा अंक इसमें क्या भरा जाएगा? गले में दिक्कत है, आवाज़ से आपको पता चल रही होगी, लेकिन मजबूरी है, आपके समय छूटते रहते, आपका टाइम बर्बाद हो रहा था, इसलिए मजबूरन मुझे पढ़ाना पड़ा। तो हम ये देखेंगे इस डब्बे में क्या भरा जाएगा ताकि यह पूरी तरह से 3 से विभाजित हो जाए। कितने से? 3 से। उसके लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे इसके कुल अंकों का योग। तो 7, 3, 10, 5, 15, 4, 19, 6, 25, 2, 27, जो 27 है वो क्या है, ऑलरेडी 3 से विभाजित है, तो दी गई संख्या 3 से विभाजित होगी। इसमें सबसे छोटा अंक जो भरना है वो हमें लड्डू चढ़ाना होगा ताकि इसके अंकों को योग में कोई परिवर्तन ना होने पाए और दी गई संख्या भी 3 से पूरी तरह से विभाजित भी हो जाए। अब एक प्रश्न और इसमें बनेगा कि यदि दी गई संख्या, आपके सामने जो संख्या दी गई है, ठीक, कौन संख्या है यह, यदि यह संख्या में वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या लिख दिया जाए ताकि प्राप्त ये संख्या 9 से पूरी तरह से 3 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। माने इस दिए गए संख्या के खाली स्थान में कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या भर दी जाए ताकि दिया गया संख्या, दिया गया नंबर पूरी तरह से 3 से विभाजित हो जाए। 3 से बड़ी संख्या अगर ऑप्शन दे दिया जाए कि उसके लिए आपको 3, 6, 9, 0, तो इसमें वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसको यहाँ भरने से, मान लीजिए 8, 6, वो बड़ी बड़ी संख्या क्या होगी जिसके भरने से दी गई संख्या 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। ठीक, अगर कोई कह रहा है कि रिपीटेड विधि सरल नहीं है, मैं भी बेसिक पढ़ा रहा हूँ, मैं गणित की बता रहा हूँ, ये जान है, जिनको गणित नहीं आती उनके लिए जब तक ये समझ में नहीं आएगा आगे मैं किस संख्या को किस नंबर से काट दूंगा तो उनके लिए कुछ समझ में नहीं, कौतूहल सा लगेगा, मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ, ये पूरी तरह से बेसिक है, और इसलिए मैं कह रहा हूँ आप सभी को शेयर कर दिए, जिनको गणित नहीं आती वो भी सीख सकते हैं गणित, लेकिन उसके लिए आपको जुड़ना होगा, पढ़ना होगा। ठीक, तो इसमें अगर हम 9 भर देते हैं तो इसका योग 27 आ रहा था, 9 अगर भरेंगे तो 27, 9, 36, और 36 क्या है, 9 से 3 से विभाजित है। इस प्रकार यह संख्या भी में खाली स्थान में वह सबसे बड़ी संख्या 9 होगी जिसे भरने पे दी गई संख्या 3 से पूरी तरह से विभाजित होगी। कॉन्सेप्ट क्लियर, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है? चलिए मिटा दें और प्रश्न देखें 9 से। अगर यही सवाल दे दिया जाए कि इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी भरी जाए कि दी गई संख्या 9 से विभाजित हो जाए, कितने से? 9 से। वह छोटी छोटी संख्या क्या होगी इसको भरने से दी गई संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। बहुत दिक्कत हो रही है सर, बोल नहीं पा रहे थे, सुबह तक आवाज नहीं निकली थी। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब इसको देखना ये 9 से विभाजित हो गया नहीं, तो पहले हम एक चेक करेंगे कि दिए गए कुल अंकों का योग यदि 9 से विभाजित हो जाएगा तो दी गई संख्या भी 9 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, ये समझ में आ गया, दी गई संख्या भी क्या होगी, 9 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। आइए उसके लिए हम चेक करते हैं कैसे विभाजित होगी। ठीक है, उसके लिए हम इसका योग निकालेंगे, योग करेंगे 3 + 7 + 5 + 4 + 6 + 7, 7, 3, 10, 5, 15, 4, 19, 6, 25, 7, 32। अगर दिए गए संख्या का योग 32 आ रहा है, ये 9 से नहीं कटेगा, 9 से तब कटेगा जब इसमें हम 4 जोड़ देंगे और ये हो जाएगा 36। अगर 36 9 से कट जाएगा तो दी गई संख्या भी 9 से कट जाएगी, इसलिए इस खाली डब्बे में 4 भरा जाएगा। कितना भरा जाएगा? 4। कितना?
4 भरा जाएगा। ठीक, शेयर कर दीजिए यार सभी को, इतनी तो कृपा कर सकते हैं आप। एकदम बेसिक गणित है, हम आप लोग के लिए पढ़ाने के लिए आए हैं। गला एकदम साथ नहीं दे रहा आपको, आवाज़ से खुद ब खुद स्पष्ट हो रहा होगा। मैं समझ में आ गया, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, आगे बढ़े। अब लिखिएगा 5 से विभाज्यता का नियम, कितने से, 5 से विभाज्यता का नियम। यदि किसी भी संख्या के इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। मतलब यदि कोई भी दी गई संख्या के इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या सदैव 5 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, जैसे 3, 7, 6, 9 के बाद यदि 0 लिख दिया, 1 किलो लड्डू चढ़ा दिया, तो यह संख्या 5 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। अथवा यहाँ पे 6, 4, 3, 9 के बाद 5, यदि इसके इकाई का अंक या अंतिम अंक 0 या 5 हो तो संख्या क्या होगी, 5 से पूरी तरह से क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी। आप लोग पढ़िए मेहनत से, सभी को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरा हर एक सेकंड हर एक मिनट आप सभी के लिए कीमती है, इसलिए मैं आपके लिए सबसे बेहतर देने के लिए तत्पर और तैयार। ठीक है, अब 10 का देख लेते हैं। दस के लिए बहुत ही आसान है। यदि ऊपर कर दीजिए, अच्छा ऊपर नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए 10 से विभाज्यता का नियम, यदि किसी भी दिए गए संख्या के इकाई का अंक 0 है तो वह संख्या 10 से सदैव विभाजित हो जाएगी। जैसे 9, 7, 6, 0, 5, 4, 3, 0, 9, 3, 8, 5, 0, मानी यदि किसी भी संख्या के इकाई का अंक 0 है तो वह संख्या सदैव 10 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वह पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना, आवाज़ में थोड़ी सी दिक्कत है, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं आपसे, लेकिन आप पढ़ते रहिए, मैं उम्मीद से आपके सामने खड़ा हूँ ताकि आप अपना बेस्ट देंगे, आप अपना बेहतर देंगे। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वह इसका लास्ट अध्याय है, इसके बाद हम लोग कल इससे जुड़े हुए प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे। अब हम आते हैं 11 के विभाज्यता का नियम पढ़ते हैं, फिर 6 का पढ़ेंगे। 11 के लिए थोड़ा सा बातें हैं, आप लोग समझ लेते हैं, या 11 वाला 7 वाला अगली क्लास में पढ़ा दे क्या, दोनों मज़ेदार हैं। ठीक है, हम आते पहले 6 से पढ़ाते हैं, 7, 11 अगली वीडियो में पढ़ाते हैं, क्योंकि बहुत लेट हो रहा है, गला साथ नहीं दे रहा है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, 7, 11 अगली क्लास में पढ़ा देंगे। आज हम लोग पढ़ लेते हैं जैसे 6 से विभाज्यता का नियम, 6 का गुणनखंड करेंगे, क्या करेंगे, 6 का गुणनखंड। 6 गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणे 3, माने जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटेगी वह संख्या 6 से सदैव कटेगी, जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटेगी वह संख्या 6 से भी पूरी तरह से कटेगी। अगर हम इसके बारे में जानना चाहें, जैसे अब ये संख्या 2 से कटेगी, जी हाँ कटेगी, क्यों, क्योंकि यह सम संख्या है, इसके इकाई का अंक 2 है, लेकिन ये 3 से भी कटेगी, चेक करते हैं, 4, 3, 7, 2, 9, इसका मतलब 9 3 से कट जाएगा, तो दी गई संख्या भी 3 से कट जाएगी, इसका मतलब यह संख्या 6 से भी क्या होगी, पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। माने यदि कोई भी संख्या कोई भी नंबर 2 और 3 दोनों से कटेगी वह 6 से कट जाएगी, क्योंकि 2 और 3 क्या है, क्योंकि वह क्या है, एक इसका गुणनखंड है। अब आगे समझ में आ गया, अब जैसे हम लिख लिया 144, क्या लिखा हमने, 144, फिर हमने लिखा
अगर ये संख्या 6 से कटेगी नहीं, इसको चेक करना है। सबसे पहले देखेंगे 2 से कटेगी नहीं, हाँ 2 से कटेगी, क्यों? क्योंकि सम संख्या है, इकाई के स्थान पर 6 है, इस नाते यह संख्या 200 कटेगी। 3 से भी कटेगी नहीं, चेक कर लेते हैं, 8 7 15 6 21 1 22 3 24 36, माने यह क्या होगी, 3 से भी कटेगी। तो जो संख्या है 3 और 2 दोनों से कटेंगी, वह संख्याएं 6 से भी कटेंगी। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, क्लियर हो गया? चलिए आगे देखते हैं। तब अब अगर आपको 12 से चेक करना है तो गुणनखंड इसका करते हैं, 3 × 4, माने जो संख्या है 3 और 4 दोनों से कटेंगी वो 12 से भी कटेंगी, जैसे 732। 4 से कटेगी नहीं, इकाई दाई से बनने वाली संख्या 4 से कटेगी। अब 3 से कटेगी नहीं, 7 × 3 = 10 = 12, 3 से कटेगी, माने ये दी गई संख्या क्या होगी, 12 से पूरी तरह से विभाजित होगी। 1728, यह 4 से और ये पूरा 3 से, इसका मतलब संख्या 12 से क्या होगी, विभाजित हो जाएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब आते हैं 15 से, जो संख्या 3 और 5 दोनों से कटे वह 15 से भी कट जाएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर? 3 से कटने के लिए कुल पदों का योग यदि 3 से विभाजित होगी, संख्या भी 3 से विभाजित होगी। 5 के लिए 0 या 5, समझते चलेगा, इस पे सवाल हम कल सॉल्व कर लेंगे और यहाँ पे वो भी पढ़ लेंगे, 3 और 7 की विभाज्यता का नियम भी। अब आगे देखते हैं 18 का, जो 2 और 9 से कट जाए, किससे कट जाए, 2 और 9 दोनों से कट जाए, वह क्या होगी, 18 से भी कट जाएगी। क्लियर कॉन्सेप्ट? 24 के लिए 3 और 8 से, 8 का नियम पता है, इकाई दहाई सैकड़ा से बनने वाली संख्या यदि क्या होगी, 8 से कटेगी या 3 किलो लड्डू होगा तब भी, और 3 का पता ही हो गया। 36 का, 4 × 9, जो संख्या 4 और 9 दोनों से कटेगी, माने यदि किसी भी संख्या के गुणनखंडों से कोई संख्या विभाजित होती है तो दी गई संख्या से भी संख्या सदैव विभाजित होगी, यही मुझे सिखाना है आपको। अब जैसे 45 5 और 9 से, कितना आसान हो जाएगा 45 चेक करना, जैसे देखते हैं 45 से कटेगी या नहीं, ठीक, उसके लिए आपको मैंने पहले ही बता दिया है क्या करना है। 45 के लिए पहले ये 5 से कटेगी, इकाई अंक 0 और 5 है। अब 9 से कटेगी नहीं, चेक कर लेते हैं, 7 × 3 = 10 + 5 = 15 × 3 = 18 + 4 = 22 + 5 = 27, 27 9 से कट जाएगी, इसका मतलब दी गई संख्या भी क्या होगी, 45 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। ठीक, समझ में आया, आगे बढ़ते हैं, बस एक मिनट और लगेगा, खत्म। अब जैसे 72, 8 × 9, 8 का भी पता है, 9 को भी पता है, इसी तरह से बढ़ते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, समझ में आ रहा है ना, नहीं समझ में आ रहा है, आ जाएगा समझ में, इसी तरह बढ़ते जाइए क्रम से, क्योंकि अगर 2 गुणनखंडों से यदि कोई संख्या की संख्या गुणनखंडों से कटती है तोड़कर सॉल्व कर लेंगे, नियम भी सरल हो जाएगा, आसान भी हो जाएगा और आप इसे लगा भी लेंगे आसानी से, इसलिए हमने पूरा समझा दिया। इसके बाद हम लोग 7 का और 11 का पढ़ लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा टेढ़ा है, क्योंकि अगर वो पढ़ेंगे तो भी भूल जाएंगे। ठीक, तो इसलिए इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा, फिर इससे जुड़े हुए सवाल को भी हम लोग कल सॉल्व कर लेंगे ताकि समस्याएं ना रहें। इसके साथ साथ एक बात और, यदि आपको ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना है, यदि आपको लगता है नहीं मेरे साथ जोड़कर पढ़ना चाहिए, कहीं ना कहीं आप जोड़कर पहले से पढ़ रहे होंगे, उसके लिए आप 6306344367 पे कॉल कर सकते हैं, 7355179012 पे व्हाट्सएप करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथ आप को कभी कभी वीडियोज की लिंक नहीं मिलती, आपको लगता है पता नहीं सर ने वीडियो बनाई है ना बनी, उसके लिए टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करिएगा, कॉर्नर पर सर्च करिएगा दुर्गेश सर, और जैसे दुर्गेश सर सर्च करेंगे इलनी विद दुर्गेश सब जुड़ जाएंगे। हमारा फेसबुक पेज भी है इलनी विद दुर्गेश, और ट्विटर इंस्टाग्राम हर एक जगह इलनी विद दुर्गेश, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और जल्द ही आप अमित सर के द्वारा आपको टेस्ट सीरीज भी कराई जाएगी गणित की, और उसके लिए भी आप पूरी तरह से तैयार रहिए, हम भी आपके साथ हैं। आप जितनी मेहनत से हम पढ़ा रहे हैं उससे दोगुनी मेहनत से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको सफलता से कोई रोक नहीं सकता। कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत सरल पढ़ाया जा रहा है, तो मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि आपको अगर गणित आ रही है, आपको सरल लग रही है, हमारे बहुत सारे साथी बहुत सारी बहन ऐसी हैं जिनको गणित में बहुत ज़्यादा समस्याएँ होती थी, उनके लिए हमें बेसिक से लेकर चलना होगा ताकि वो गणित को सीख सके। पढ़ना बहुत बड़ी बात नहीं, सभी पढ़ाते हैं, सभी अध्यापक बढ़िया पढ़ाते हैं, लेकिन
हम आपको गणित सिखाना चाहते हैं ताकि आप गणित में हर बार की अपेक्षा इस बार दोगुने अंक अर्जित करें। तात्पर्य क्या है कि आप कम से कम 30 में 25 तक तो आसानी से पहुंच सकें। इसलिए हम अपना बेहतर देंगे, आप भी अपना बेहतर दीजिए ताकि आपको आपकी सफलता से कोई भी वंचित ना कर सके। अगर लगता है यह वीडियो किसी के काम का है, इस वीडियो से किसी का भला हो सकता है, इस वीडियो को बेशक आप शेयर करिएगा, क्योंकि अन्य चीज़ें हम जिस तरह शेयर कर देते हैं उस तरह यह काम की चीज़ें हैं, उसे भी आप शेयर कर देंगे तो मुझे खुशी मिले या ना मिले, लेकिन जिनके पास ये जाएगा वो हो सकता है आपसे धन्य हो जाएंगे। बस इसी के साथ आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद और हम आपके उज्ज्वल भविष्य की अग्रिम शुभकामनाएं आपको देते हैं। लेकिन आप कभी अपने आप से समझौता मत करिएगा, आप हर एक परिस्थिति में लड़िएगा, अपनी ज़िंदगी का बेहतर दीजिएगा। सफलता एक दिन आपके कदमों में होगी, लोग आएंगे, बहकाएंगे, बातें बताएंगे, बातें बड़ी बड़ी करेंगे, उससे बेचक मत हटिएगा। आप अपने लक्ष्य पर उस मछली की आँख को देखिएगा, उसी पर निशाना लगाइएगा, सफलता जरूर हाथ आएगी। बस इसी के साथ हम अपनी वाणी को अब विराम देना चाहते हैं क्योंकि गला एकदम साथ नहीं दे रहा है। और इसी के साथ आप सभी को फिर से आपके माता पिता को मेरी तरफ से चरण स्पर्श कहिएगा और आप भी अपना बेहतर दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत। चलिए तीन पंद्रह चालू काम के लिए ऐसे ऐसे के प्रभाव है सबके लाइव हो गई यही लगाए दो करे ना मोबाइल छड़क कर आवाज ना देख ली।